बीते दिनों 8 वर्ष की मासूम को शिकार बनाने वाले 20,000 के इनामिया की पुलिस मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर गिरी। बीते दिनों फरदान थाना क्षेत्र के एक स्कूल में 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले 20,000 के इनामिया को की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, 8 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद जिले के आला अधिकारियों सहित जिले के कई थानों की पुलिस आरोपी की तलाश में काम्बिल अभियान चला रही थी, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते जिले की पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई, जिसके बाद जिले के कप्तान संजीव सुमन ने आरोपी पर 20,000 का नाम घोषित किया था। वहीं देर रात मुखबिर की सूचना पर आरोपी सर्वेश उर्फ भूरे अलीपुर जंगल में छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच व फरदान पुलिस ने मिलकर आरोपी की घेराबंदी होते देख आरोपी सर्वेश उर्फ भूरे ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी के पास से एक 315 तमंचा और एक खोखा और एक कारतूस भी किया बरामद। थाना फरदान क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। इस घटना को पारित करने वाले सर्वेश उर्फ भूरे की तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही थी, जिस पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सूचना प्राप्त हुई कि बेहजम से अलीपुर रोड के पास ये जंगलों में कहीं छुपा हुआ है, जिस पर थाना फरदान एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के द्वारा कॉम्बिंग प्रारंभ की गई। अपने बचाव में इस अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके पैर पर गोली लगी है और मौके से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक कार्टेज, दो कार्टेज हैं और एक खोखा बरामद किया।